आज यानी 14 फरवरी को मार्वल स्टूडियोज ने मोस्ट अवेटेड बेनेडिक्ट कम्बरबैच और एलिजाबेथ ऑसलन स्टारर डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस मूवी का एक बिल्कुल नया ट्रेलर शेयर किया है, जिसने फैंस को माइंड ब्लोइंग बोलने पर मजबूर कर दिया है। इतना ही नहीं, ट्रेलर के साथ साथ मार्वल्स ने एक न्यू पोस्टर भी शेयर किया, जिसको शेयर करते हुए उन्होंने जानकारी दी कि यह मूवी 6 मई को थिएटर्स पर रिलीज की जाएगी। अब बात करें ट्रेलर की, तो ट्रेलर में स्ट्रेंज परेशानी में उठते हैं और कहते हैं, हर रात मैं एक ही सपना देखता हूँ और वो सपना मेरी नींद उड़ा देता है। स्ट्रेंज आगे कहते हैं, इस दुनिया की रक्षा के लिए मैंने वही किया जो मुझे करना था। जिसके बाद उनके मित्र संरक्षक और नए जादूगर सुप्रीम वॉन्ग बेनेडिक्ट वॉन्ग स्ट्रेंज को चेतावनी देते हुए कहते हैं, आप सब कुछ कंट्रोल नहीं कर सकते, तुमने ब्रह्मांड के बीच का गेट खोल दिया है और हम नहीं जानते कि कौन और क्या इसमें से आ सकता है। जिसके बाद स्ट्रेंज वांडा से पूछते हुए दिखते हैं कि आप मल्टीवर्स के बारे में क्या जानती है, जिस पर वांडा जवाब देती है, विजन का मानना था कि यह खतरनाक था। जिस पर स्ट्रेंज हामी भरते हैं और कहते हैं वह सही थे। और फिर ट्रेलर के बीच में डॉक्टर स्ट्रेंज के फ्रेंड जो दुश्मन बन चुके थे, कार्ल मॉडो यानी च्वेटल एजियोफोर्ट, उन्हें कहते हैं कि मुझे माफ कर दो स्टीफन, हकीकत के साथ तुम्हारा ये खिलवाड़ माफ नहीं किया जाएगा। जिसके बाद स्ट्रेंज रोबोट द्वारा बेड़ियों में बंधे हुए दिखते हैं और फिर एक आवाज आती है कि इसे सच बताना ही होगा। और इसी मोमेंट को देखकर सब इस मूवी के लिए और भी ज़्यादा एक्साइटेड हो गए हैं, क्योंकि वह जानना चाहते हैं कि क्या है वो सच और कौन है ये इंसान। वैसे आगे की ट्रेलर की बात करें तो आगे और भी ज़्यादा एक्शन देखने को मिलता है, जब डॉक्टर स्ट्रेंज अलग अलग डायमेंशंस में जाते हुए दिखते हैं, जिसमें से एक डायमेंशन डायनासोर्स की भी हो सकती है। और फिर उसके बाद वांडा डॉक्टर स्ट्रेंज से कहती हुई दिखती है कि तुम नियम तोड़ो तो हीरो और मैं तोड़ूं तो विलन, ये तो नाइंसाफी है। जिसके बाद हमें डॉक्टर स्ट्रेंज के कुछ डार्क वेरिएंट्स देखने को मिलते हैं और कुछ फाइट्स के बीच ट्रेलर खत्म हो जाता है। डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस 6 मई को थिएटर्स पर इंग्लिश, हिंदी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम लैंग्वेजेस में रिलीज की जाएगी। क्या आप इस मूवी के लिए एक्साइटेड हैं? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे ही अपने फेवरेट मूवीज की लेटेस्ट अपडेट्स के लिए स्टे ट्यून्ड टू मीडिया दरबार एंटरटेनमेंट चैनल। थैंक यू।